एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्किप फिश वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्कैनर टूल के बारे में। सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं स्किप फिश के बारे में पूरी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे स्किप फिश को कैसे काले लिनक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम और काले लिनक्स के अंदर आपको ये डिफॉल्ट मिलेगा, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट उठाएंगे, वेबसाइट के बारे में जो भी हमारी डिटेल्स मिलेंगी वो सब हम देखेंगे और देखेंगे कि स्किप फिश का क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ नहीं होता, क्यों इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हैकिंग से रिलेटेड, पेन टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, तो कोई भी वीडियो मिस ना करें। और चलते हैं करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं स्किप फिश है क्या। तो स्किप फिश एक फुली ऑटोमेटिक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिकॉग्निशन टूल है। ये टारगेट साइट का एक इंटरैक्टिव साइट मैप तैयार करके हमको दे देता है, और उसके लिए ये क्रॉल और डिक्शनरी बेस्ड प्रॉप्स को यूज़ करता है। इसके द्वारा हम लोग टारगेट वेबसाइट के अंदर कमियों का पता लगा सकते हैं, और ये कई तरह के सिक्योरिटी चेक ना ऑटोमेटिक ही करता है, जैसे ब्लाइंड एसक्यूएल, एसक्यूएल इंजेक्शन, ऐसे कई सारे ये ऑटोमेटिक ही करता है, और इन सब की एक प्रॉपर रिपोर्ट भी हमको जनरेट करके दे देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से इसके की फीचर्स के बारे में। तो की फीचर्स इसके बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्या ये हाई स्पीड देता है, ईजी टू यूज़ है, और जो भी आप यहाँ पे रीड करके देख सकते हैं। और सीधा हम लोग ना इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इस टूल को काले लिनक्स के अंदर और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट ही हमको मिलता है, तो हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने वर्चुअली अपने लैपटॉप में चला के रखा हुआ है। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कमांड लाइन में, और मुझे कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये मेरे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होकर आता है। तो सबसे पहले जब आप अपना टर्मिनल खोल लेते हो, हम इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें ये ऑप्शन देगा, क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा स्किप फिश। -H हेल्प के लिए, और मेरे को जितने ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे सब मेरे को सामने शो कर देगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे इसका यूज ले सकता हूँ। मैं एक बार फुल स्क्रीन करके एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। हेल्प खोलते हैं, हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें कहाँ यूज़ करना है। जैसा सबसे पहले आ रहा है हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस ऑप्शन, उसके बाद क्रॉल ऑप्शन, उसके बाद रिपोर्टिंग, डिक्शनरी मैनेजमेंट ऑप्शन, परफॉर्मेंस सेटिंग, अदर सेटिंग, ऐसे कितनी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल सकती है। अगर एक एक करके सबके बारे में जाने तो अच्छे से हमें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं हम इस टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर करने के बाद मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए कमांड लगाइए सीडी और डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद मुझे कमांड लगानी पड़ेगी स्किप फिश, क्योंकि मैं स्किप फिश यूज करने वाला हूँ। उसके बाद -O स्कैन के लिए, फिर के -O उसके बाद आएगा मेरा एक फाइल जो यहाँ पे सेव होगी। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि ये डेटा जो भी है पूरा स्टोर करके रखता है, तो इसलिए मैं डेस्कटॉप पे आता ताकि वो फाइल मेरे डेस्कटॉप पे बन जाए। तो मैं फाइल का नाम दे देता हूँ ऋषि, और उसके बाद टारगेट वेबसाइट का URL या भी जो भी उसका आप लिंक बोलते हैं, URL बोलते हैं, वो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए, वरना कॉपी कर लीजिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेरे फ्रेंड की वेबसाइट, जो कि मैंने उसकी परमिशन लेके ही यूज़ करी है, और मैं उसको ब्लर कर दूंगा। वेबसाइट का URL डालने के बाद प्रॉपर आप एंटर मार दीजिए। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। आप यहाँ पे इसकी कुछ यूज़फुल टिप्स देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको स्टॉप करना है तो कंट्रोल सीधा पकड़ स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार एंटर मार दीजिए। तो उसके बाद ये जो भी आपको स्कैनिंग स्टैटिक्स दिखाएगा, डेटाबेस स्टैटिक्स दिखाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा हमें शो हो रहा है। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर भी बन चुका है जो नाम मैंने वहाँ पे दिया था, और स्कैनिंग रिजल्ट मेरे सामने शो होके आ रहे हैं। अगर मेरे को स्कैनिंग के बारे में और भी ज़्यादा देखना तो मैं स्पेस दबा दूंगा, तो मुझे प्रॉपर बताएगा कि क्या क्या ये स्कैन कर रहा है। तो यही यूज़ होता है कि अगर आपको देखना है करंट में कौन सा URL इसका स्कैन हो रहा है। तो ये तो मैंने पूरा ब्लर कर रखा होगा इस वक्त, क्योंकि ऐसे किसी की वेबसाइट को शो करना अच्छा नहीं होता। और अगर आपको ये वापस से हमें पहले जैसा चाहिए तो एक स्पेस दबा देंगे, और उसके बाद ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये वेबसाइट स्कैन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये टाइम लगता है क्यों, इसके पीछे तीन रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न आता है कि वेबसाइट का डेटा कितना बड़ा है, वेबसाइट है कितनी बड़ी। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने फ्रेंड की वेबसाइट अपने और अपने एक गूगल की वेबसाइट, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा दोनों के डेटा में। दूसरा होता है डिपेंड ये कि आपका PC की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, और तीसरा होता है कि आपकी
इंटरनेट स्पीड कैसी है। तो इन चीज़ों तीनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट स्कैन होने में कितना टाइम लगेगा। कभी कभार ये आधा घंटे से लेके एक घंटा भी ले लेता है एक छोटी सी वेबसाइट को स्कैन करने में। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वेबसाइट को स्कैन होने में, उसके बाद मैं इसको रिज्यूम करूँगा। तो वेबसाइट स्कैन पे लगाए हुए मेरे को करीब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप और हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया। मैंने वेबसाइट को पूरा स्कैन नहीं करा क्योंकि मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसको पूरा स्कैन करने में, तो मैं कंट्रोल सी दबा के इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद ये नीचे देख सकते हैं अभी आया था राइटिंग क्रॉल ट्री, उसके बाद जो भी इसने राइट करा और जो हमारी जितनी भी रिपोर्ट थी वो सेव हो गई मेरे ऋषि नाम के फोल्डर में जो मैंने यहाँ पर बनाया था। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। नहीं, पहले हम लोग जाके देख सकते हैं कि इस फोल्डर में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो कैसी है। तो जब मैंने ये फोल्डर ओपन करा तो मुझे यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी index.html करके। तो मेरे को इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। और हम यहाँ पे इसके फिश का रिजल्ट चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा कि टारगेट वेबसाइट के अंदर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या क्या उसके अंदर हमें, देखो मैं यहाँ पे देख के बताता हूँ। जो हमें यहाँ पे इसको 9 लो रिस्क मिले हैं, उसके बाद ये जो ग्रे कलर का है वो वार्निंग्स है, और ये है जो स्काई ब्लू आई थिंक ये नोट्स है, और उसके बाद ये पता नहीं क्या दिख मिला, ये यूनिक चिल्ड्रन नोट्स हैं। तो जब हम नीचे जाएंगे इशू टाइप के अंदर ओवरव्यूज के अंदर, तो यहाँ देख सकते हैं हमें एक ये दिख रहा है लो रिस्क वाला। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो 7 उसके वेबसाइट के अंदर 7 ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लो रिस्क है। मतलब कुछ कुछ वेबसाइट में ना ये रेड कलर का होता है, तो मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। अगर मैं इसको पूरा स्कैन करता तो मे बी इसके अंदर भी शायद वो बड़े वाले रिस्क मिल जाते मेरे को। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो बड़े वाले रिस्क के अंदर कभी कभार उसका एडमिन पैनल का भी लिंक हमको मिल जाता है। मूव करते हैं हमारी नीचे वाली रिपोर्ट के अंदर जो जिसने हमें दी है। तो यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है लो रिस्क, तो जब हम देखेंगे तो इसके अंदर इसने 2 हमें दिया है, 2 लिंक इसने हमें प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद हम इसको शो ट्रेस भी कर सकते हैं, जो जिसका मेरे को नहीं पता कि लोग क्या काम करते होंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं यूज़ तो होता ही होगा। पूरी की पूरी HTML कोडिंग दे रखी है उसने। उसके बाद हम ज़्यादा नीचे जाएंगे ना तो देखना इसने हमें 2 चीज़ें यहाँ ये भी दिया, हिडन फाइल्स भी इसने हमें 2 दे रखी हैं इसके बारे में। तो जैसा कि ये पूरा हमने देखा कैसे हमने स्किप फिश का यूज़ करके किसी वेबसाइट के अंदर डिटेल्स निकाली। अगर आप अपना ट्राई करके देखें ना कभी घर पे एक वेबसाइट को पूरा स्कैन करने पे लगाइए, 1 घंटा 2 घंटा जितना वो ले रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एक बड़े वाले रिस्क भी उसके अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर एडमिन पैनल या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन डालने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और ज़्यादा नहीं बोल सकता इस वीडियो में, वरना ये भी मेरे को लग रहा है बैन हो जाएगी, यूट्यूब इसको भी हटा देगा। इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर ये मैं बताता हूँ कि ये टूल ना यूज़ कहाँ हो सकता है, अगर आप एक बग बाउंटी कर रहे हैं, मतलब बग बाउंटी के बारे में सीख रहे हैं। बग बाउंटी बेसिकली क्या होता है, किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप कोई भी चीज़ उसके बारे में अगर आप उसके अंदर कोई भी बग ढूंढ लेते हैं, कोई भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद जब आप उसके ओनर को उसके बारे में रिपोर्ट कर देते हैं तो उससे वो खुश हो जाता है। एक तो वो अपनी वेबसाइट को ठीक कर लेता है, अपने ऐप के अंदर जो भी उसको वल्नरेबिलिटी मिली है वो फिक्स कर लेता है, और हमें उसका रिवॉर्ड भी देता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। अब ये तो नहीं है कि आप इस छोटे से टूल की मदद से गूगल जितनी बड़ी वेबसाइट के अंदर बग ढूंढे, लेकिन ऐसे छोटे पैमाने पे भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून।